बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। अज्ञात लोगों ने गन्ने के खेत में सागवन की लकड़ी के दो बड़े लट्ठे छुपाए। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चांद नगर के ग्राम मेघदोन में आनंद पटेल के गन्ने के खेत में अज्ञात लोगों ने सागवन की लकड़ी के दो बड़े लट छोड़कर चले गए, जो कि मोटरसाइकिल बाइक के माध्यम से लाए गए। बताया जा रहा है कि यह लकड़ी की तस्करी यहां पर कई बार की जा चुकी है। हमने वन विभाग की टीम से बात की, उनका कहना था कि अब हमें जब भी सूचना मिलेगी तो हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। जब हमारे संवाददाता कुंज बिहारी शर्मा ने ग्राम मेघदोन के आनंद पटेल से बात की, उनका कहना था कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस चीज पर टोटल प्रतिबंधित किया जाए। हम काफी दिनों से परेशान हैं। कुछ ग्रामीण लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि वास्तव में यह काफी दिनों से लकड़ी का कारोबार यहाँ चल रहा है। यह मोटरसाइकिल से लकड़ी लाते हैं और पकड़े जाने के डर से खेत पर लकड़ी के गोले छोड़कर भाग जाते हैं। आइए सुनते हैं गन्ना किसान आनंद पटेल का क्या कहना है। छिंदवाड़ा से बोल इंडिया न्यूज के लिए कुंज बिहारी शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंह चौधरी जी। ग्राम मेघदोन। ये जो आपकी लकड़ी आपके खेत में पाई गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? और जो लोगों का कहना है कि ये लकड़ी के मोटरसाइकिल के माध्यम से नहीं आ सकती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि देखने में, आप एक लट्ठे को दिखाएंगे जी, देखने में असंभव सी बात लगती है कि ये लट्ठे अपन मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते जी। लेकिन फॉरेस्ट की टीम ने, ग्रामीण जनों ने, कुछ लोगों ने बताया कि ये रात में इन लट्ठों को ले जाया जाता है। और यहाँ मौके पर मौजूद है, आप मोटरसाइकिल घुमाने के निशान भी देख सकते हैं जो रात में यहाँ फेंक कर और कुछ असामाजिक और अपराधी तत्व के लोगों ने जी मेरे खेत में ये लट्ठे डालकर और चले गए। ये आए दिन ये गतिविधियां जारी है। मैं फॉरेस्ट टीम से और सभी से निवेदन करूंगा कि ये वन उपज को इस तरह का नुकसान हो रहा है, तो थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ाकर इसको बंद करें। धन्यवाद।